मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। वर्तमान डिजिटल युग में और महत्वपूर्ण हो गई है पत्रकारों की भूमिका, दरभंगा में बोले मंत्री संजय झा। निर्भीक पत्रकारिता ही मीडिया कर्मी का है धर्म, बोले विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी। समाचार चैनल न्यूज टुडे दरभंगा के वेब पोर्टल का हुआ भव्य शुभारंभ, जुटी कई नामचीन हस्तियां। आज के वर्तमान समय में तकनीक लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और हर फील्ड में नई चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं, तथा समय से खुद को अपग्रेड किए बिना कोई भी मैदान में नहीं टिक सकता। ठीक यही बात आज की पत्रकारिता के संदर्भ में भी लागू होती है, जहां आज के डिजिटल युग में पत्रकारों के कंधों पर भी दायित्व और अधिक बढ़ा है, तो इसके साथ ही बढ़ गई है समाज के प्रति मीडिया की भूमिका। उक्त बातें न्यूज टुडे दरभंगा के वेब पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क तथा जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कही। श्री झा ने कहा कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो उसके साथ ही हमें खुद को अपग्रेड भी करना होगा, क्योंकि कठिन प्रतियोगिता के दौर में हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाली मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए पत्रकारों के कंधों पर जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि तेज भी भागना है, आगे भी रहना है और खबरों के संप्रेषण में कोई चूक भी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना है। श्री झा ने पोर्टल के प्रधान संपादक प्रोफेसर संतोष दत्त झा से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर बोलते हुए बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, मगर निर्भीक पत्रकारिता करना ही मीडिया की पहचान है। जदयू के जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल ने कहा कि पत्रकार अपनी लेखनी से समाज को नई दिशा दिखाते हैं और बातों को समाज के सामने लाते हैं। कार्यक्रम में पवन सुरेखा, डॉक्टर जयशंकर झा, रविंद्र झा, डॉक्टर मित्रनाथ झा ने भी अपने विचार रखे, जबकि इस अवसर पर डॉक्टर शिवकिशोर रॉय, रजनीश राज, डॉक्टर संदीप सुधांशु, डॉक्टर एस के राय, आशीष सिंह, आशुतोष द्विवेदी, ओम अग्रवाल, रानू सुल्तानिया, रिंकू झा, राघवेंद्र कुमार, सुशील जैन, नंदकिशोर यादव, उज्ज्वल कुमार, अभिषेक कुमार, डॉक्टर चंदन ठाकुर, आशीष महापात्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार नवीन सिन्हा, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संपादक प्रोफेसर संतोष दत्त झा ने किया। आवश्यकता पत्रकारिता के सत्य बाजे, हम काज नहीं के लिए तो काज लिखियो, हम काज नहीं के लिए, लेकिन जे काज हम अगर के लिए कोई लिखित काल में कलम नहीं थरथराए के चाहिए। अहां कतको दबाव तैयो अगर एक शब्द अगर अहां जोड़ देवे तो पढ़ना मीनिंग अर्थ लगा लेते कि के लिखे कतो न कतो अभाव पत्रकारिता जगत में आ गया। हम में आप न्यूज रीडर का जिस प्रकार से इनका प्रस्तुति होती थी राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर, जिस प्रकार से हम देखते थे, उसे कम नहीं इनकी प्रस्तुति का स्तर रहता था। वास्तव में आप कला संपन्न है, आपने संघर्ष किया है, आप 20 बरस तक अपने अनुभव जो न्यूज टुडे के पोर्टल में वो आप प्रदर्शित करेंगे, उससे निश्चय ही पूरा सब वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। मैं माननीय हमारे बहुत प्रिय अजय राव जो हमारे विधायक हैं और गोपाल मंडल जी, गोपाल हैं आप फले फले, हम तो अपने जीवन में जितना आज तक नेता को देखे हैं बहुत लोगों को देखे, आज उनको पहले भी दरस परस हुआ है, लेकिन मैं इनको निलांचन के लिए सबसे एक नंबर पर
मैं तो उस जमाने में उस मंच पर अपने को सरेंडर किया था जिस समय बीपी सिंह आए थे और मैंने सकीनुर्रहमान के पक्ष में अपना उत्पाद किया। मैं उसे बहुत फायदा हो जाता था लेकिन मैंने उनकी छोड़ दिया, केवल अपना काम करते हैं। हाँ, इनका तो हम जानते हैं कि मिथिलांचल में इनसे के बारे में आज से कई साल पहले एक पुस्तक आए हुए लोकार्पण करवाया थे उनके कॉलेज में। वो इनके पितामह जो थे हिंदुस्तान के जमाने के वो नामचीन विद्वान थे, उन्हीं का लोकेंद्री थी पुस्तक। उसके लोकार्पण में जो लोग आए थे अधिकांश के मुंह से ये हो रहा था कि संतोष धाम माने पीटीएन। ये बहुत बड़ी बात है कि ये सिनोनिमस हो गए थे पीटीएन से। तभी बहुत तो संस्थापक जुड़ रहे हैं लेकिन एक जमाना था कई दशकों तक पीटीएन की जो बात थी उसका जो परिचय था पीटीएन बहुत सिनोनिमस विद संतोष, लोग कहते संतोष था मैंने पीटीएन। ये बहुत बड़ी बात है कि जमाना था तो अखबार का जमाना था जो पहले संकट विद्यार्थी आज से कई दशक पहले जो लिखे खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इन 5-6 वर्षों में यहाँ तक पहुंचे कि आज एक नया आयाम दरभंगा में उन्होंने प्रारंभ किया है, नया वे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बनाया है। संतोष जी के बारे में तो सभी लोग काफी कहे हैं लेकिन बाढ़ का जो समय था पीटीएन में ये थे और उस समय जो न्यूज इनकी आती थी न्यूज समाचार जो है देते थे, एक तो सबसे बढ़िया बात इनकी थी स्पष्ट भाषा इनकी रहती जो सुनने में जो भी साइट है जैसे बड़े बड़े टीवी में समाचार आते हैं जितने साफ और जितने बड़े उस तरह के इनके ये समाचार आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये ठीक है इनके गुरुदेव को नवीन जी हैं और ये और आज मेरे मोबाइल में इनका नाम संतोष जी बीटीएन करके ही अभी भी क्वेश्चन नहीं है मेरे और ये शब्द इन्होंने कहा है सही बात है। संजय झा जी के कार्ड जो उनका भूतकाल है वर्तमान है और सोच है कि काम को ये जो शब्द है जात को वोट से जोड़िए धर्म को वोट से जोड़िए ये नहीं, जात को जाति पाति उत्थान में जोड़िए, धर्म को मंदिर मस्जिद से जोड़िए और विकास और काम को राजनीति से जोड़िए वोट से जोड़िए तो स्वतः विकास होगा। और रोल कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा है इस चीज में, थोड़ा सेक नहीं कीजिएगा ना, पैघ लकीर खींचे वास्ते कहीं एक बेर झटका मारो पड़े छे, एना नहीं चले छे। हम सब रियल लाइफ अथी मतलब किस तरह बात चीप बोले करे बहुत चीज नहीं बोले, गलत करते हैं तो आप पूरा चार्ज कीजिएगा, चार्ज कीजिए ना कहा गड़बड़ है आपका। ये चीज नीतीश कुमार जर काज का चर्चा कर लें तो हम सब छे 3 नंबर का पार्टी जे कार्य कल कल के वो चल गए 3 नंबर एक अलग विश्लेषण हो जाते और इस समय खुद आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। सिर्फ नेते में गड़बड़ी नहीं हुई नहीं अपनो आत्मविश्लेषण करवाक चाहिए जो हमारा जो मौका भेटल कोई काल हम की के बात चाहिए और पॉलिटिक्स में नेता ही आपका भविष्य संवारता है, ध्यान रखिएगा। वही लॉ मेकर है वही कानून बनाता है और आपका ही नहीं आपके आने वाले बाल बच्चे का भविष्य भी उससे जुड़ा हुआ है। हम तो एक दिन बैठ करके डायरीज कर लिए बात कर लिए कहीं चले गए लेकिन आपके आने वाले जनरेशन का भी भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, उसका भविष्य कैसे होगा और काल में पूछे छे बाल बच्चा का भविष्य लेकिन और कहा कि नेता गड़बड़ छे हम अपना बाल बच्चा के नेता केना बने लेकिन भाई नेते से तो कानून बनेबाक छे ओकरे तो ड्राइव करबाक छे समाज जे यो ABCD काज करे वाला छे ओकरा नहीं मजबूत कर तो अपना सब में छे आप तो छे संस्कृति विद्वान जेहन चाहबे वह भेटे छे लोग तो आपके हाथ में
आप क्या चाहते हैं, कैसे लोग लीड करें सोसाइटी को, जो जनते मालिक छीन है लोकतंत्र में वह न तय करे और हमारा व्यक्तिगत रूप से कहिए ये निश्चित रूप से जो काज शुरू करो संतोषल सही में बधाई के पात्र छी। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर बीएमपी 13 के निकट बहादुरपुर दरभंगा में नॉर्दर्न सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का विषय रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच था, जबकि साधन सेवी के रूप में सनशाइन पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर के शिक्षक यशपाल शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक, प्रभारी प्राचार्य अशोक राय एवं अजय झा, कोऑर्डिनेटर श्रावणी शिखा, गांधी शिक्षण संस्थान शुभंकरपुर के प्राचार्य हरिराम चौधरी एवं साधन सेवी यशपाल शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा साधन सेवी और प्रशिक्षणार्थियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। साधन सेवी यशपाल शर्मा को विद्यालय के उपप्राचार्य अशोक राय ने मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया। साथ ही अपने उद्बोधन में उपप्राचार्य श्री राय ने कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक तरीकों को अपनाकर जटिल से जटिलतम समस्याओं को कक्षा में सुगमता से उसका निदान कर सकते हैं। कार्यशाला में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर एवं गांधी शिक्षण संस्थान शुभंकरपुर के 91 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। विद्यालय की शिक्षिका कविता पटेल के संयोजन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के केंद्र निदेशक विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा थे। तैयारियां पूरी, कल सजेगा शुभंकरपुर में बाबा राजा रामधनी मंदिर का दरबार, गुरु समारोह कल। शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर सालाना होने वाले गुरु पर्व समारोह का आयोजन कल 9 अक्टूबर को होगा। हर वर्ष की तरह इस साल भी पूरे धूमधाम से गुरु पर्व समारोह की तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही मंदिर पर पूजा, होम और भजन का कार्यक्रम आयोजित है। अपनी मन्नत पूरी होने पर दूर दूर से लोग यहाँ हलवे का प्रसाद चढ़ाने आते हैं और शाम में भंडारा के रूप में सबों को हलवा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। श्री श्री 108 बाबा राजा रामधनी प्रबंधक समिति के सदस्य स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बालेंदु झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 9 बजे से पूजा पाठ और भजन कीर्तन आरंभ हो जाएगा। प्रबंधन समिति के सचिव बुलन राय, सहसचिव संजय राय, उपाध्यक्ष कृष्णलाल यादव, कोषाध्यक्ष दिलीप राय, सोमदेव राय, पवन झा आदि सदस्य अलग अलग कार्यों में लगातार सक्रिय हैं। सब साल जेका अहू साल काल 9 अक्टूबर का शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह आयोजित है। सब साल जेका अहू साल धूमधाम से बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रबंधक समिति के तरफ से ई कार्यक्रम के तैयारी धूमधाम से चल रहा है। पंडाल के तैयारी, लाइट के तैयारी, मेला के तैयारी, प्रसाद के तैयारी में सब सदस्यगण लागल छथि। सचिव बुलन राय जी के नेतृत्व में पूरा प्रबंधक समिति काल केना ई हमर सबके ग्राम देवता के पूजा पूरा दिन केना बढ़िया से संपन्न हुआ, भोरे से पूजा पाठ होम, साँझ में प्रसाद वितरण, जागरण, मेला केना संपन्न हुआ, तई में सब गोटे लागल छथि। अहाँ समस्त ग्रामवासी शहरवासी सबसे आग्रह निवेदन जे काल 9 अक्टूबर का गुरु पर्व समारोह शुभंकरपुर दरभंगा में आबी आ बाबा के दर्शन कर प्रसाद लो, पुण्य के भागी बनी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगड़ूसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम, अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 इयर्स ऑफ सर्विस,
बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशंस आर फ्री। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में, कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम बाकरगंज लहेरिया सराय। दरभंगा में हराही पोखर के निकट अवस्थित बहुद्देशीय भवन में नोनिया बिंद बेलदार महासंघ दरभंगा द्वारा वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बड़े समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा। जोरदार अभिनंदन और स्वागत हुआ संजय कुमार झा का। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार हर वर्ग के चहुमुखी विकास और उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। समारोह में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता, जदयू के दरभंगा जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल के अतिरिक्त संगठन से जुड़े कई पदाधिकारीगण और सदस्य मौजूद थे। आत्मीय स्वागत अभिनंदन के लिए महासंघ के तमाम लोगों का संजय कुमार झा ने आभार जताया। दाते उन्होंने एक कमिटी बनाई, एक सर्वे करवाया,
ये रिपोर्ट बनाए, ये सब कागज पत्र से ही काम होगा, कागज पत्र बना करके भारत सरकार को भेजा और भारत सरकार ने उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक बात मान लिया तो वेरीफाई किया जो मेरे पास कि लोहिया समाज की जीवन शैली खान पान संस्कृति आप हत्या जनजात से मुक्त हुई थी, लेकिन लोहिया समाज को जनजात मामले से बना कर कभी कभी क्या होगा कि कोई अफसर कहीं बैठा है और वही अफसर को जनजाति का ही रिपोर्ट है जो आपका वो रिपोर्ट उठा करके भेज देगा, कोई बैठा होगा बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने शेड्यूल ट्राइब में लोहिया पिछड़ेदार समाज आए बिहार सरकार से तर्क के साथ लॉजिक के साथ कागज बना के भारत सरकार को भेज दिया, अब भारत सरकार को रिजेक्ट कर दिया। तो नीतीश कुमार जी को बिहार में तर्क खत्म कर दिए, अगर नीतीश कुमार जी को केंद्र में ताकत मिलेगा तो अपने रिपोर्ट को लागू करने को कितना टाइम मिलेगा। दरभंगा के दोनार रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा, कोलकाता एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो महिलाओं की हुई मौत, दो बच्चों की स्थिति नाजुक। यह बड़ी और चौंका देने वाली लोमहर्षक दुखद खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा में ट्रेन की चपेट में आने से दो महिला और दो बच्चे घायल हो गए। घायल दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेन की चपेट में आने से दो बच्चों की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। घायल दोनों बच्चों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनार रेलवे गुमटी बंद थी, इसी दौरान रेलवे लाइन पार करने के दौरान यह दुखद हादसा हुआ है। सभी घायल सखतपुर थाना क्षेत्र के बहिका गांव के रहने वाले हैं और एक ही परिवार से हैं। आज अस्पताल में भर्ती अपने परिजन को देखकर ये सभी वापस घर जा रहे थे, उसी क्रम में यह हादसा हो गया। दरअसल लहेरिया सराय से दरभंगा आ रही कोलकाता जयनगर एक्सप्रेस के चपेट में दो महिला अपने दो बच्चों को लेकर रेल लाइन पार करने के प्रयास में तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें दो महिला शहजादी खातून और रोशन खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे का दोनों हाथ कट गया है, वहीं एक के सिर में गंभीर चोट है। स्थानीय लोगों ने डीएमसीएच में भर्ती कराया है बच्चों को, सकतपुर थाना क्षेत्र के बहिका गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी सरफराज आलम ने बताया कि कोलकाता एक्सप्रेस आ रही थी, हॉर्न भी बज रहा था, लेकिन वह सामने से नहीं हटी, जिस कारण यह हादसा हो गया। घटना के बाद पुलिस की भी देरी से यहां पहुंचने की सूचना है। कुल चार लोगों के साथ यह घटना हुई है, दो बच्चे और दो महिलाएं हैं। मतलब यहाँ पे कलकत्ता एक्सप्रेस आ रही थी, हॉर्न दे रहे थे, मतलब ये बुरी बेचारी हटी नहीं, उसके कारण ये ऐसा घटना हुआ। प्लस यहाँ पे पुलिस भी कोई नहीं आ रहा अभी तक, यहाँ तक चार लोग टोटल है, जिसमें दो बच्चा है और दो यहाँ पे स्पॉट है, दो बच्चा को डीएमसीएच हॉस्पिटल हम लोगों ने भेज दिया।